सबको प्यार भरा नमस्कार। तो आज फिर से जायका रश्मिका में बनने जा रहा है आंवले का खट्टा मीठा चटपटा अचार, क्योंकि आपको मालूम है आंवला का सीजन है, तो आंवले के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। तो अगर आप एक आंवला डेली खाते हैं तो आपको कोई खांसी जुकाम बुखार, मतलब विंटर्स में आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि मेरी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आंवला का खट्टा मीठा चटपटा अचार बनाने के लिए, ये देखिए मेरे पास ये स्टीमर है, इसमें मैंने आंवले रख दिए थे और इनको बॉईल कर लिया था और उनकी गुठलियां निकाल दी थी। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको स्टीम देनी है। स्टीम देने का ये फायदा होता है कि जो आंवले के न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इसके अंदर ही रहते हैं, और इसको हमने थोड़ा ज्यादा गला लेना है। इसको स्टीम देकर इसको लंबी लंबी फांकों में काटकर हमने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद हम ये सारे मसाले जिनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे, उनमें मैंने लिया है 3 चम्मच साबुत सौंफ, 2 चम्मच मैंने लिया है साबुत धनिया, 20-25 काली मिर्ची ली है और 10-12 लौंग लिए हैं। उसके बाद मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा और 1 टीस्पून मैंने लिए है मेथरे, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ली है 1 टेबलस्पून, कलौंजी ली है 1 टीस्पून और गुड़ लिया है मैंने हमारे 500 ग्राम्स जो है आंवला है, जो कि गुठली निकाल के 400 ग्राम रह गया है, और 400 ग्राम ही गुड़ को मैंने बारीक बारीक ऐसे काट लिया है। उसके बाद नमक मिर्च और हल्दी, ये आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें, और अगर आप इसमें काला नमक भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो हम डालेंगे सौंफ, धनिया, जीरा, मेथरे, लौंग और काली मिर्ची। हम इसको बस इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि इसकी नमी ख़त्म हो जाए, हमें इसका कलर नहीं चेंज करना। और जो कलौंजी है वो हम अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम कलौंजी को पीसते हैं ना तो अचार जो है वो काला हो जाता है। कलौंजी, नमक, मिर्च हम बाद में डालेंगे। तो अब हम मसालों को ड्राई रोस्ट करते हैं, और इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद हम पीस लेते हैं रूम टेम्परेचर पे आने के बाद। अब मैंने तेल को ऊपर गर्म करना रख दिया था, मैंने 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है, आपने और कोई तेल नहीं यूज़ करना, सिर्फ सरसों का तेल ही यूज़ करना है। इसको मैंने गर्म करके गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि बहुत गर्म तेल में अगर हम मसाले डालें ना तो वो जल जाते हैं। तो अब हमारा तेल जो है वो मतलब बहुत ना बहुत ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है, तो इसमें अब मैं सबसे पहले 1/2 चम्मच हींग डालूंगी, इसको हम हिला लेंगे। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून फिर से सौंफ का डालेंगे, क्योंकि सौंफ जो है वो साबुत का भी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम इसमें मैंने जैसे बताया था साबुत कलौंजी डालेंगे 1 टीस्पून, और अब हम इसको थोड़ा सा हिला लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे। सौंफ हमारी हो गई है, अब हम इसमें आंवला डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इसको 2-1 मिनट के लिए हम इस तरह से पकाएंगे, ताकि और जो आंवले हमने डाले हैं ना जो स्टीम किए थे,
उनको भी हमने ठंडा कर लिया था। इस तरह से हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब इसमें हम नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे और कश्मीरी मिर्च मिलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें जो हमने मसाला पीसा था ना, उसको भी हम मिलाएंगे, सारा का सारा डाल देंगे और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें गुड़ भी ऐड कर देंगे और अब इसको बिल्कुल सिम पे कर देंगे ताकि जो गुड़ है ना वो भी पिघल जाए। अभी थोड़ी देर में जो गुड़ है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए पिकल हमारा रेडी हो गया है। हम इसको ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी पड़ा पड़ा भी गाढ़ा हो जाएगा। अब हम मैं गैस की फ्लेम को बंद करती हूँ और इसमें मैं मतलब आप 3 टेबल स्पून कह सकते हो विनेगर डालूंगी। एक तो इससे इसकी शेल्फ लाइफ पड़ेगी और इसका टेस्ट भी इन्हेंस होगा। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देते हैं जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। उसके बाद मैंने ये बॉटल गर्म पानी से धोकर स्टरलाइज करके धूप में सुखा के रखी है और इसमें अब हम अचार जो है वो फिल करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। तो लीजिए हमारा आंवले का खट्टा मीठा अचार बनकर तैयार है, जिसको मैंने टेस्ट किया है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अब हम इसको, ये मैंने बताया था ना स्टरलाइज बॉटल है, इसमें अब हम इसको फिल कर देंगे। और आपने कोई भी अचार आप डालते हो, आपने इन बातों का खास ध्यान रखना है कि अचार हमेशा सूखी बिल्कुल ड्राई स्टरलाइज्ड बॉटल में डालना है। अचार को आपने गंदे हाथ नहीं लगाने, गीला चम्मच नहीं लगाना। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो आप भी इस अचार को ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना कि आपका जो आंवले का खट्टा मीठा अचार है वो कैसा बना, क्योंकि अचार बहुत ही स्वादिष्ट बना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।